मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन द लास्ट सेशन आई टॉट यू पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। स्टूडेंट्स, इन दिस सीक्वेंस आई विल टीच यू टुडे प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन विच द वर्क विल हैव कंप्लीटेड इन द फ्यूचर एंड इफ देयर इज टू क्लॉज इन अ सेंटेंस हुज वर्क कंप्लीटेड फर्स्ट दैट विल बी इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड द वर्क दैट फिनिश इन लेटर दैट विल बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो स्टूडेंट्स, हमने ये कहा कि अगर फ्यूचर में कोई वर्क कंप्लीट हो रहा है तो तब वर्क कंप्लीट होने पर ही परफेक्ट होता है। फ्यूचर में वर्क कंप्लीट हो रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। अगर एक ही सेंटेंस में दो क्लॉजेस का यूज़ किया गया है तो उन दो क्लॉजेस में अगर जिसका वर्क पहले फिनिश होता है वो फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा, जिसका वर्क बाद में फिनिश होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट इंडेफिनिट का केस कैसे होता है। पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं इट शो कंप्लीशन ऑफ वर्क इन फ्यूचर में वर्क के कंप्लीट होने की उम्मीद करता है। इसके लिए रूल क्या रहेगा, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम विल हैव या फिर शैल हैव में से कुछ एक लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर वर्ड लिखेंगे। इस तरह से सेंटेंस फ्रेम करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है सी विल हैव रेड हर लेसन कंप्लीटली। ये लिखा हुआ है सी विल हैव रेड हर लेसन कंप्लीटली। यहाँ पर विल हैव का यूज किया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। अगर दो क्लॉजेस होती हैं, इफ देयर इज टू क्लॉजेस इन अ सेंटेंस रूल फर्स्ट क्या रहेगा, प्रिंसिपल क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज विल बी इन फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है कि वो रहेगा विल हैव और शैल हैव में। दूसरा सबॉर्डिनेट क्लॉज विल बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा सबॉर्डिनेट क्लॉज, और मेन क्लॉज जो होगी प्रिंसिपल क्लॉज वो फ्यूचर परफेक्ट में रहेगी। जैसे कह दिया जाए, एग्जांपल देख लेते हैं, द फादर विल हैव गॉन टू ऑफिस बिफोर रीड्स न्यूज़पेपर। यहाँ देखो हमने दो क्लास लिखी, एक ये क्लास जो है आपकी
प्रिंसिपल क्लास है, इसीलिए इसमें विल हैव का यूज किया गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। जो दूसरी क्लास है उसमें इंडेफिनिट का यूज किया गया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया गया है। सबॉर्डिनेट क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रिंसिपल क्लास में फ्यूचर परफेक्ट का यूज किया जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स निगेटिव इंट्रोगेटिव के रूल्स देख लेते हैं। जब निगेटिव सेंटेंस होगा, निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, पहले जो सब्जेक्ट रहेगा, फिर विल शैल के बाद नॉट का यूज कर देंगे, वर्ब की हैव लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और अदर वर्ड का यूज करेंगे। तो ये वर्ब करना है हमको। एग्जांपल, यू विल नॉट हैव कॉल्ड योर ब्रदर। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा कि विल शैल के बाद नॉट लगेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, विल हैव के बाद लगाते हैं या शैल हैव के बाद नॉट लगाते हैं। विल हैव के बाद नॉट नहीं लगेगा। विल और शैल रूट वर्ब है, यानी रूट हेल्पिंग वर्ब है, इन्हीं के साथ इन्हीं के बाद ही नॉट का यूज हो जाएगा, हैव उसके बाद लगेगा। इसी तरह से इंटरोगेटिव होगा, अगर इंटरोगेटिव रहेगा, इंटरोगेटिव के वाले में जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तब की बात करते हैं, जो रूल होगा पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब का मतलब विल शैल का यूज हो जाएगा, विल शैल के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर नॉट है तो नॉट आ जाएगा, फिर हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। इस तरह से रहेगा। तो देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है, विल दे नॉट हैव रंग द बेल, रंग द, इस तरह से बी नंबर इसी का जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन वर्ड इसके पहले आ जाएगा, यानी पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड यानी विल शैल रहेगा, विल शैल के बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट, फिर हैव रहेगा, हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, थर्ड फॉर्म रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा और फिर अदर वर्ड रहेगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें बिल्कुल भी। देखो एग्जांपल, देखो जैसे लिखा है, व्हाई विल द कारपेंटर नॉट हैव मेड अ टेबल। इस तरह से, यानी इस तरह से हमारे सारे फ्यूचर के परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है स्टूडेंट्स, When we see anything what is happening with the time, that will be present continuous। अगर कोई चीज़ हम देखते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस में जा कर के, जो कुछ भी हो रहा है और वो कितने टाइम से हो रहा है, अगर ये मालूम हो जाता है कि कोई भी वर्क हो रहा है और कितने टाइम से हो रहा है, वही आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ। जैसे कि हम किसी भी रूम में गए, ये देख रहे हैं कि फैन चल रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा, लेकिन अगर फैन चल रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, ये तो कंटिन्यूटी शो करेगा। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि कितनी देर से फैन चल रहे हैं, कितनी देर से टीचर पढ़ा रहा, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। दो घंटे से फैन चल रहे हैं, तीन घंटे से टीचर पढ़ा रहा, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसकी आइडेंटिटी देखते हैं क्या है। आइडेंटिफाई
it show continuity with time. कंटिन्यूटी तो शो करता है लेकिन टाइम सही शो करता है, जैसे कि इसके लिए रूल क्या होगा, रूल आता रहेगा पहले तो सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लिखना है, हैज हैव फिर बी लगा देनी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना है, फिर अदर वर्ड का यूज करना है, फिर सिंस या फॉर रहेगा, सिंस या फिर फॉर फिर टाइम रहेगा, सिंस फॉर क्यों रहेगा, सिंस जो है वो डेफिनेट टाइम को शो करता है, सिंस यूज फॉर डेफिनेट टाइम, एंड फॉर यूज फॉर इनडेफिनेट टाइम, इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर का यूज, चाहे कह लो फिक्स टाइम से दिया हुआ है तो सिंस का यूज करेंगे, फिक्स नहीं है फॉर का यूज करेंगे, जहाँ पर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट देखते हैं, जैसे लिखा है दे हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, ये मॉर्निंग लिखा हुआ है, यानी मॉर्निंग दिन में एक ही बार होती है, फिक्स होती है, डेफिनेट होती है, इसलिए मॉर्निंग में सिंस का यूज़ किया गया है। अगर टू आर का आ जाता, फाइव आर का आ जाता तो टू आर फाइव आर ये फिक्स टाइम नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर फॉर का यूज होता। तो सिंस जब भी यूज़ करेंगे डेफिनेट टाइम के लिए, और फॉर यूज़ करेंगे इनडेफिनेट टाइम के लिए। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा कि जब वर्ब की कंटिन्यूटी शो हो लेकिन टाइम के साथ हो, वहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, हैज बीन हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म और सिंस फॉर का यूज जरूर होता है। तो स्टूडेंट्स अब इसका नेगेटिव फॉर्मेशन देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो कैसे बनेगा, इसी का अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या हैव के बाद नॉट का यूज करेंगे, फिर बीन का यूज करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, फिर सिंस फॉर का यूज करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे पहले, फिर सिंस या फॉर का यूज करेंगे, सिंस फॉर के बाद टाइम का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे टाइम का। जैसे कह दिया द मैनेजर हैज नॉट बीन मैनेजिंग हिज प्रोफेशन या हिज बिजनेस फॉर फाइव ईयर, यानी जो फाइव ईयर्स टाइम दिया गया है, तो लाइफ में तो बहुत सारा टाइम होता है, पता नहीं कौन से फाइव ईयर, तो ये फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ फॉर का यूज हुआ है। अगर लास्ट फाइव ईयर कहा होता तो सिंस का यूज हो जाता। इसी तरह से इंटरोगेटिव की बात कर लेते हैं, इंटरोगेटिव में क्या है, जब हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में होती है तो ए रूल उसको लिखते हैं, पहले ही हम लोग हैज हैव का यूज करेंगे, हैज हैव फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट अगर है तो नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फिर फॉर, फिर टाइम का यूज करेंगे। जैसे देखो लिखा हुआ है एग्जांपल में, हैव यू नॉट बीन ओपनिंग विंडो फॉर वन, इस तरह से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा
डेरिवेटिव। अगर बी नंबर की बात करते हैं तो बी नंबर में क्या हो जाएगा, इसी में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज हो जाएगा। और एग्जांपल में मान लो हमने वाई कर दिया, इस तरह से हमारा ये टॉपिक आज का फिनिश होता है। नेक्स्ट पीरियड में आपको कुछ नया पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ।